आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की आत्माओं की शांति के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें। एक राजकुमारी को दिल दे बैठे थे अटल बिहारी वाजपेयी। जिंदगी भर रहे कुंवारे, उर्दू शायर और फिल्म गीतकार मुमताज राशिद की गजल के ये अशार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी पर सटीक बैठते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में ऐसे भी लम्हे आए जो खूबसूरत हुए, वफाओं के सफर में ये लम्हे अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। अटल बिहारी वाजपेयी की मोहब्बत की दास्तां अधूरी ही रही, जिनसे उन्होंने मोहब्बत की वे उन्हें पा न सके। पूरी जिंदगी अटल बिहारी वाजपेयी कुंवारे रहे, राजकुमारी से किया प्रेम, देश के बड़े नेताओं में शुमार रहे अटल बिहारी वाजपेयी कभी विवाह के बंधन में नहीं बंधे, लेकिन उन्होंने प्रेम का स्वाद जरूर चखा। कहा जाता है कि अटल जी को सच्ची मोहब्बत हुई थी वे भी एक राजकुमारी से। बात शुरू होती है उस दौर में जब ना मोबाइल था ना लड़कियों से बात की जाती थी। प्यार की पहली झलक अटल बिहारी वाजपेयी को 1940 के दशक में मिली। अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमार कौल दोनों कॉलेज में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर बताते हैं कि ये वो दौर था जब लड़का लड़की का आपस में बात करना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अटल और राजकुमारी कौल की वो खूबसूरत प्रेम कहानी थी। दिल्ली अटल ने लिख डाला प्रेम पत्र। उस दौर में प्यार के पंछी लफ्जों में नहीं बल्कि इशारों में बातें करते थे। आंखों ही आंखों में दिल के जज्बातों को बयां किया जाता था। उस वक्त लड़कियों के बात करना अच्छा नहीं माना जाता था। उस दौर में कलम के सिपाही रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने हिम्मत दिखाते हुए कलम उठाई और अपने दिल का हाल लिख दिया। उन्होंने अपने प्यार को प्रेम पत्र लिखा। राजकुमारी कौल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो अटल बिहारी वाजपेयी निराश हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि अटल इस रिश्ते के टूटने से इतने दुखी थे कि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। इसके बाद अटल ने अपना जीवन संघ सेवा और राजनीति में लगा दिया। वक्त आगे बढ़ता रहा, अटल बिहारी वाजपेयी भी राजनीति में नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे थे, लेकिन वह अपने प्यार को नहीं भूले। उनके ऊपर लिखी गई किताब अटल बिहारी वाजपेयी है मैन ऑफ ऑल सीजन्स में वाजपेयी की जिंदगी के बारे में कई खुलासे हुए हैं। किताब के लेखक और पत्रकार केशव नाग ने लिखा कि राजकुमारी के सरकारी अधिकारी पिता ने उनकी शादी एक युवा कॉलेज टीचर ब्रिज नारायण कौल से कर दी। किताब के अनुसार राजकुमारी कौल अटल जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। हालांकि अटल ब्राह्मण थे, लेकिन कौल अपने को कहीं बेहतर कुल का मानते थे। एक दशक बाद हुई मुलाकात। राजकुमारी कौल को दिल्ली के राजनीतिक हलकों में लोग मैसेज कौल के नाम से जानते थे। हर किसी को मालूम था कि वो अटल जी के लिए सबसे प्रिय हैं। अपनी अपनी दुनिया में खो जाने के बाद दोनों करीब एक डेढ़ दशक बाद फिर से मिले। अपने पति के साथ राजकुमारी दिल्ली आ गई। उनके पति रामजस कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, यहाँ वे कॉलेज के हॉस्टल के वार्डन भी बने। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहने आ गए थे। मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनको लुटियंस जॉन के बंगले में उस समय कई लोग जब अटल जी से मिलने जाते थे तब उनको कौल परिवार उसी बंगले में दिखता था। इसका मतलब है कि अटल जी के साथ ही कौल परिवार उनके बंगले में शिफ्ट हो गया था। कॉलेज की मित्र राजकुमारी कौल से उनका विवाह ना हो सका, लेकिन राजकुमारी की शादी के बाद भी दोनों साथ रहे और उनके रिश्ते को दोनों ने कोई नाम नहीं दिया। अटल जी का कद राजनीति में इतना बढ़ा था कि विरोधी दल और मीडिया कभी उनकी निजी में जिंदगी में तांक झांक नहीं कर सके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।